अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है तुहाडा सारिआं दा। आज हम बना रहे हैं बसबूसा यानी कि सूजी का केक। ये तुर्किश डिश है, पाकिस्तानी नहीं है। सबसे पहले हमने लेंगे एक कप सूजी। ये जो कप में सूजी बची है ये छोड़नी नहीं है। मैंने दोनों कप अंगूठे पकड़ के दोनों में डाली थी चीज़ें, दोनों वो बच गई, वो भी डालनी है। अच्छा जी, हम हाफ कप डाल रहे हैं इसमें खुश्क दूध। हाफ कप कोकोनट डालेंगे अभी इसमें, और ये मैंने एक छानी ले ली है, इसमें पाउडर शुगर है वो छान लेंगे। वन कप पाउडर शुगर डालना है। इसमें गिल्टियाँ बनी हुई हैं इसलिए छाननी है। अच्छी तरह से इसको छान लेंगे। हाफ कप इसमें डाल देंगे घी। हाफ कप में ओलपस की डेरी क्रीम डाल रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी डाल सकते हैं, किसी भी कंपनी की। हाफ कप इसमें डालेंगे जी खुला दही। अब इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे जी बेकिंग पाउडर। बैटर को ना ही ज़्यादा थिक करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है, दरमियाना होना चाहिए। अच्छा जी, फिर एक ट्रे को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करके अपना बैटर डाल देंगी जी इसमें। फिर इसको सारी तरफ हिला देना है। मैंने अपना बैटर सारा फैला दिया और ऊपर से ऐसे मैं सेट कर रही हूँ इसको। फिर इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है ताकि सही तरह से पीसीस बन सकें। तेरा हो रहा
और फिर हर एक पीस के ऊपर एक एक बादाम रख देंगे। बादाम मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब इसको ओवन में 180 डिग्री पे बेक कर लेंगे। जब तक ये बेक हो जाए उतनी देर में हम शीरा बना लेते हैं। एक कप लेना है चीनी और आधा नींबू लेंगे और साबुत दालचीनी का एक टुकड़ा ले लेंगे। दो इलायचियों का मुंह खोल के डाल लेंगे। आधा कप पानी डाल देंगे इसमें। नींबू वगैरह इन चीज़ों से फ्लेवर अच्छा आएगा और इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इतना के इतना पकाएं कि चीनी बस मेल्ट हो जाए। हमारा शीरा हो गया तैयार, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम नींबू, दालचीनी और इलायची वगैरह को इसमें से निकाल देंगे। मैं सिर्फ इसका पानी चाहिए यानी कि शीरा। ये देखें जी, हमारा बसबूसा यानी कि सूजी का केक हो गया है तैयार। अब इसको निकालते हैं। ये मैं फिर से कट कर रही हूँ ताकि सही से बाहर निकले। गार्डर जो बनाए थे ना अगली रेसिपी हो, ठीक है बड़े है बड़ा मजे डेढ़ डेसन टाइम बड़े मजे ने सर। गरम हो तो गरम के ऊपर ही शीरा डाल लेना है। ये देखिए जी, हमारा बस पुस्सा हो गया तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।